नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आगामी दशहरा पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। सभी थानों पर आयोजित किया जा रहा है पीस कमेटी की मीटिंग। सौहार्द पूर्वक त्योहार मनाए जाने की लोगों से की जा रही है अपील। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। गोरखपुर की औद्योगिक गलियारे में शुरू हुआ सुपर मेगा इन्वेस्टमेंट 1071 करोड़ का निवेश करेगी पेप्सिको। लगाएगी अपनी दूसरी सबसे बड़ी बॉटलिंग यूनिट। पहले चरण में आवंटित होगी 45 एकड़ भूमि। जल्द शुरू होगा निर्माण। 1500 लोगों को मिलेगा रोजगार। खुद को GDA का कर्मचारी बताकर मानवेला में फ्लैट दिलाने के नाम पर वसूली करने वाले एक शातिर जालसाज सोनू गुप्ता को गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यूपी पुलिस हेतु भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा ने वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। कहा, पुलिस वेतनधारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं, साइबर अपराधों व अन्य धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं की दी गई जानकारी। इंडिया वर्सेस गार्बेज व इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत नगर निगम ने गार्बेज मुक्ति के लिए रेलवे स्टेशन पर चलाया स्वच्छता अभियान। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, नगर निगम की टीम जी जान से शहर के विभिन्न हिस्सों में सफाई कर गोरखपुर नगर निगम को बनाएगी इंडियन स्वच्छता लीग में नंबर वन। तीन शातिर चोर को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का ई रिक्शा, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित लगी प्रदर्शनी का प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन ने किया अवलोकन। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गरीबों के लिए लाई अनेकों योजना, गरीबों का हो रहा है उत्थान। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत LFS चरगावा व गोरखपुर फुटबॉल क्लब ने जीते अपने अपने मैच। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। जनपद में लगातार हो रही बारिश से नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, कोई भी नागरिक नदियों में ना करे स्नान, नदियां हैं उफान पर, एक या दो दिनों में घटने लगेगा नदियों का जलस्तर। अब खबरें विस्तार से। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आगामी त्योहारों की तैयारियों पर कहा कि जनपद में आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों के साथ लगातार बैठक की जा रही है। इसके अलावा थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, बीट कांस्टेबल के साथ भी मीटिंग की जा रही है। जनपद स्तर पर पीस कमेटी की मीटिंग भी की गई है। सभी लोगों से अपील की गई है कि शांति व सौहार्द पूर्वक त्योहार को मनाएं और जहां पर पारंपरिक रूप से जो आयोजन होने हैं वहीं पर आयोजन किया जाए। किसी को भी नए स्थान पर मूर्ति को बैठाने के लिए इजाजत नहीं होगी। सभी दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों को बताया गया है कि वह लोगों के सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखें। वहां पर अग्नि से बचने के लिए बालू, पानी, अग्निशमन यंत्र को रखें। रात के समय किसी जिम्मेदार व्यक्ति को वहां पर रखें जिससे कि कोई घटना होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दे सके। मूर्ति विसर्जन के मार्ग में पड़ रहे बिजली के तार को ठीक करवा दिया गया है जिससे कि त्योहार सकुशल संपन्न हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव क्रुवर ने कहा, देखिए, आगामी त्योहार और पर्व जो जनपद गोरखपुर में मनाए जाने हैं उसके संबंध में लगातार अधिकारियों के साथ हमारी बैठकें चल रही हैं। थाना प्रभारियों के साथ, सब इंस्पेक्टर्स के साथ, हल्का चौकी प्रभारी और बीट कांस्टेबल्स के साथ भी लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। इसके अतिरिक्त जो पीस कमेटी मीटिंग है वो कल अनेक्सी भवन में कर ली गई है। विशेष रूप से यही निर्देश दिए गए हैं कि सभी त्योहारों को शांतिपूर्वक ढंग से सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए जाने के लिए जो भी तैयारियां करनी हैं उसको कर लिया जाए। जहां जहां आयोजन होने हैं, पारंपरिक रूप से जहां जहां आयोजन होते आए हैं वहीं पर वो आयोजन किए जाएं। कोई भी नई स्थान या कोई भी नया रूट किसी के लिए भी अलाउ नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से जो दुर्गा पूजा के जो पंडाल सजते हैं
सजावट के साथ साथ सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो आयोजक हैं उनको भी ये हिदायत दी जा रही है, उनको भी ये सलाह दी जा रही है कि पंडालों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। जो भी बिजली के तार वहाँ पर, जिसके माध्यम से वो वहाँ पर बिजली सप्लाई कर रहे हैं, वो सुरक्षित ढंग से किए जाएं। अग्निशमन से सुरक्षा के लिए वहाँ पर हर समय पर पानी और बालू की व्यवस्था रहे। रात्रि के समय पर विशेष रूप से किसी जिम्मेदार व्यक्ति को आयोजनकर्ता जो है वो वहाँ पर नियुक्त करें, जिसका संपर्क थाने और चौकी और पीआरबी के साथ बना रहे, ताकि अगर कोई भी सूचना या घटना आती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जा सके। फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी प्लान किया जा रहा है, और जो भी जुलूस निकलने हैं, विसर्जन के कार्यक्रम होने हैं, रामलीला और विजयदशमी के जो कार्यक्रम होने हैं, उन सब के लिए सूचनाएँ भी एकत्रित की जा रही हैं, जनता के साथ समन्वय भी किया जा रहा है, लोकल लेवल पर पीस कमेटी मीटिंग्स भी की जा रही हैं, और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि सभी त्यौहार सकुशल और सौहार्दपूर्ण माहौल में ही संपन्न। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को शानदार परिवहन का माध्यम बनाने के साथ ही उद्योगों का प्लेटफॉर्म बनाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा परवान चढ़ने लगी है। लिंक एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक गलियारे के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा की तरफ से अर्जित भूमि पर सुपर मेगा इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हो गई है। गीडा ने विश्व प्रसिद्ध पेप्सिको कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी बॉटलिंग यूनिट मेसर्स वरुण वेव रेजेस को यूनिट लगाने के लिए 45 एकड़ भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आगामी 7 दिन में कंपनी को भूमि आवंटन पत्र सौंप दिया जाएगा। मेसर्स वरुण वेव रेजेस यहां 1071 करोड़ 28 लाख रुपए का निवेश करेगी। कंपनी द्वारा शीघ्र ही यूनिट लगाने का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस सुपर मेगा इन्वेस्टमेंट से प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से करीब 1500 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO गीडा पवन अग्रवाल ने बताया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप औद्योगिक गलियारे हेतु गीडा के अधिसूचित क्षेत्र ग्राम नरकटहा में पेप्सिको की बॉटलिंग यूनिट मेसर्स वरुण वेब रेजेस की तरफ से 60 एकड़ भूमि की मांग यूनिट लगाने के लिए की गई थी। कंपनी की तरफ से कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेवरेजेस, वेस्ट सिरप, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, जूस ड्रिंक्स, मिल्क वेस्ट ड्रिंक्स, वैल्यू एडेड डेयरी प्रोडक्ट्स आदि का उत्पादन यहां लगाने वाली यूनिट में किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुसार फास्ट ट्रैक लैंड अलॉटमेंट प्रक्रिया के तहत गीडा की तरफ से पहले चरण में कंपनी को 45 एकड़ भूमि का आवंटन पत्र अगले 7 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बीते 5 साल में गीडा उद्यमियों का पसंदीदा स्थान बन रहा है। विकास के साथ रोजगार की संभावनाओं को पंख लगे हैं। औद्योगिक विकास के जरिए रोजगार सृजन के लिए गीडा में प्लास्टिक पार्क और फ्लैटेड फैक्ट्री स्थापित करने की भी मंजूरी मिल चुकी है। इन दोनों के मूर्त रूप में आने के साथ ही 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यही नहीं, योगी सरकार के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी GBC में गीडा को करीब 2,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। कई उद्यमियों ने फैक्ट्रियों का निर्माण भी शुरू करा दिया है। इससे 4,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। गोरखनाथ थाने की पुलिस ने GDA के नाम पर मानवेला में फ्लैट दिलाने के नाम पर वसूली करने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया है। जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सोनू गुप्ता पुत्र स्वर्गीय हरिशंकर प्रसाद गुप्ता निवासी 53 पीपल डाडा कूड़ाघाट थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। SP सिटी ने बताया कि अभियुक्त एक जालसाज है, जो GDA के नाम पर फ्लैट दिलाने के लिए बहुत से लोगों से पैसा वसूलता था, जिसके ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गोरखनाथ थाना प्रभारी दुर्गेश सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक उमेश कुमार शर्मा, कांस्टेबल अजीत सिंह, रोहित कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर के थाना गोरखनाथ थाना ने आज एक अच्छी सफलता हासिल की है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का कर्मचारी बताता था एवं विभिन्न लोगों से मानबेला में फ्लैट दिलाने के नाम पे पैसे वसूले थे। ऐसे जालसाज को आज गोरखनाथ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इसने कुल 2,70,000 रूपये का फ्रॉड 7 प्रार्थियों के साथ किया था।
पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में मुख्य शाखा भारतीय स्टेट बैंक के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश पुलिस हेतु वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस वेतनधारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं के साथ साइबर अपराधों व अन्य धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा उनसे बचने के उपाय के बारे में अवगत कराया गया। जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि मुख्य प्रबंधक श्वेता श्रीवास्तव एवं अन्य स्टेट बैंक के अधिकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों को SBI द्वारा मिलने वाले पुलिस सैलरी पैकेज तथा SBI से संबंधित अन्य योजनाओं की जानकारी दी गई है तथा बैंकिंग फ्रॉड से बचने की विस्तृत जानकारी भी दी गई तथा पुलिस कर्मियों को कल्याण के लिए और पुलिस सैलरी पैकेज के बारे में और साइबर बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पुलिस कर्मियों को जानकारी दिया गया। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को बताया कि अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें तथा गाड़ी वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक श्वेता श्रीवास्तव, शिवानी शुक्ला, रोहित तिवारी, मनोज कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी एवं SBI बैंक के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य शाखा भारतीय स्टेट बैंक के AGM मोहित श्रीवास्तव एवं SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें एक सुविधा मिलती है पुलिस सैलरी पैकेज। पुलिस सैलरी पैकेज में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिनके बारे में आपको स्वयं जानकारी नहीं होगी। बहुत सारे चीजों के जो छोटे छोटे चार्जेज हैं वो चार्जेज नहीं है उसमें। इसके अलावा जो बात किसी कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उसके संबंध में भी बड़ा पैकेज है 37-30 लाख के आसपास, जो मुझे जानकारी है। बाकी जो लेटेस्ट जानकारियां हैं पुलिस सैलरी पैकेज के बारे में, उसके बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से KGM साहब श्रीवास्तव भी आए हुए हैं और SBI बैंक की चीफ मैनेजर मैडम भी आई हुई है। इसके अलावा आपकी टीम के और साथी भी हैं। सभी SBI टीम का गोरखपुर पुलिस की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जो जानकारी देंगे उससे निश्चित रूप से हमारे जवान लाभ उठाएंगे और आप लोगों को जो जानकारी मिले उस जानकारी को आप लोग अपने साथियों तक जरूर पहुँचाइएगा। वाकई में पुलिस सैलरी पैकेज और SBI की मिलने वाली योजनाएं आप लोगों के लाभ के लिए काफी आकर्षक हैं। इनका लाभ उठाइएगा। लोगों ने उनको ट्रेडिंग ऑफिस का कर्मचारी बन के, SBI ऑफिस का कर्मचारी बन के लोगों के पेंशन के पैसे, EPF के पैसे सरकार चाहेगी। अब मैं अनुरोध करूँगा कि KGM साहब से और चीफ मैनेजर साहब से ऑफिसर मिस्टर रोहित तिवारी, तो रोहित तिवारी आप अकाउंट को PSP नहीं कराते, इससे जो उनके बेनिफिट्स सदन की कमी के मैच ऊपर जिसकी सैलरी और IPS ऑफिसर सबके लिए उनके लिए मैं बात नहीं आप करें कम से मिले। IPS ऑफिसर्स की सर सैलरी अगर कम भी हो तो भी उसके लिए तो उस पर फिर अलग अलग आपको इसी के हिसाब से बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि DD का इंश्योरेंस चार्ज 1 भी रुपये चार्ज नहीं है DD इंश्योरेंस का। अगर आप SBI से किसी और बैंक में पैसे भेजते हैं तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। ATM कार्ड एक एडिशनल फी है, एक तो आपके अकाउंट पे है ही, एक एडिशनल ATM कार्ड आप ले सकते हैं अपने घर के लिए, परिवार में छोड़ सकते हैं जहाँ भी हो, सब कुछ वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेम वैसे ही आपको ऑटो सीट की फैसिलिटी है, आप मतलब अगर 25,000 से अधिक आपके अकाउंट में होंगे तो अपने आप को पैसे अपलोड हो जाएंगे या फिक्स हो जाएंगे। अगर आपको अपना योनो या नेट बैंकिंग आदि सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया जाएगा। हर वेरिएंट के साथ अलग अलग है। अगर कोई 25,000 तक की सैलरी वाला है तो उसका अलग है, गोल्ड पर 75,000 तक है, आपकी सैलरी भले 40,000 हो लेकिन 2 महीने का 75,000 रुपया डेंटल इंश्योरेंस या एयर एक्सीडेंट का इंश्योरेंस ये बैंक करता है। हर पुलिस वाले का अगर अकाउंट PSP है तो 30,00,000 रुपये तक का आपका इंश्योरेंस है। किसी भी हादसा आपको होने से शिकार होने पर कहाँ है घर पे आप 4 अकाउंट मिनिमम मैक्सिमम खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट में भी आपको ATM फ्री रहेगा, DD और NEFT के चार्जेस फ्री रहेंगे, ऑटो स्वीप की सुविधा मिलेगी।
मोहित श्रीवास्तव, AGM गोरखपुर मेन ब्रांच। ये हम लोगों ने भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा ने एक वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम यहाँ यूपी पुलिस के लिए रखा था, जिसमें इनके सैलरी जो हमारे यहाँ पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट्स हैं उसमें जो लाभ यूपी पुलिस के अधिकारियों के लिए, जवानों के लिए हैं, वो हम लोगों ने बताए। और इसके अतिरिक्त जो दूसरी वित्तीय सेवाएं जो बैंक प्रदान करता है उसके बारे में जानकारी दी। और जो साइबर सिक्योरिटी है, अनाधिकृत जो लेन देन हो जाते हैं डिजिटल माध्यम से, उसके बारे में भी हम लोगों ने विस्तृत जानकारी दी है। बैंक के जो अलग अलग तरीके के जो योजनाएं हैं उसके बारे में हमने बताया है, जैसे कि डिपॉजिट स्कीम्स के बारे में बताया है, लोन के बारे में बताया है, लोन जैसे पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गए, उसमें जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं इनके लिए जो भी कंसेशंस हैं और जो भी लाभ हैं उसके बारे में हम लोगों ने बताया है। आज पुलिस कर्मियों के कल्याण हेतु उनको पुलिस सैलरी पैकेज के बारे में और साइबर फ्रॉड्स जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए स्टेट बैंक के असिस्टेंट जनरल मैनेजर मोहित श्रीवास्तव जी और स्टेट बैंक की चीफ मैनेजर श्वेता श्रीवास्तव जी के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया था। उन्होंने सभी जवानों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पुलिस सैलरी पैकेज की सुविधा है, उससे होने वाले लाभों के बारे में और बैंकिंग संबंधी फ्रॉड कैसे होते हैं उनसे बचने के बारे में बताया गया। और इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा सभी पुलिसकर्मियों के लिए अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने तथा मोटर व्हीकल एक्ट के और क्या प्रावधान हैं, जिन प्रावधानों को लागू करने से अपराध नियंत्रण में भी मदद मिल सकती है, इस बारे में उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों के लिए सेंसिटाइज किया गया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा एवं स्वच्छ महोत्सव के तहत नगर आयुक्त अविनाश सिंह के नेतृत्व में इंडिया वर्सेस गार्बेज व इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत नगर निगम द्वारा गार्बेज मुक्त करने के लिए रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा नगर निगम के अधिकारियों द्वारा स्वच्छता अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जनपद को पॉलिथीन मुक्त करना और पूरी तरह से जनपद को गंदगी से मुक्त करना तथा उसके साथ साथ सेवा स्वच्छता नगर निगम की टीम लेकर चल रही है। यह अभियान लगातार शहर के विभिन्न हिस्सों में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस स्टेशन, टूरिज्म प्लेसेस, मंदिर, घाट, उन सभी जगहों पर नगर निगम की टीम सफाई करेगी तथा जनपद को इंडियन स्वच्छता लीग में एक नंबर पर लाने के लिए पूरी नगर निगम की टीम जी जान से लगी हुई है। इस अवसर पर अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, सहायक नगर आयुक्त डॉक्टर मणिभूषण तिवारी, अविनाश प्रताप सिंह, मुख्य सफाई खाद्य निरीक्षक अखिलेश श्रीवास्तव, जोनल अधिकारी नर्वदेश्वर पांडे सहित नगर निगम के सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, चलो तुम बड़ो 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 अरे पूरा ये देखो आज टिकट के नीचे डॉक्यूमेंट बेकार लगता है, काम ये कर सकते हो। Okay.
एक पेंचा लेके आओ तो क्या बंद कर दी करते हुए थोड़ा आगे आ जाइए सर, करते हुए धीरे धीरे गोरखपुर बनेगा नंबर वन, गोरखपुर बनेगा नंबर वन, गोरखपुर बनेगा नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, गोरखपुर बनेगा नंबर वन, नंबर वन, गोरखपुर बनेगा नंबर वन, नंबर वन, जम नंबर वन, नंबर वन, गोरखपुर नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, भारत माता की जय। गोरखपुर नगर निगम नंबर वन, नंबर वन, गोरखपुर नगर नगर निगम नंबर वन, नंबर वन, गोरखपुर नगर निगम नंबर वन, नंबर वन, गोरखपुर नगर निगम नंबर वन, नंबर वन, गोरखपुर बनेगा नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, गोरखपुर बनेगा नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, गोरखपुर नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, नगर निगम नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो भाई, बोलो बोलो, गोरखपुर नगर निगम नंबर वन, नंबर वन, गोरखपुर नगर निगम नंबर वन, नंबर वन, गोरखपुर नगर निगम नंबर वन, नंबर वन, गोरखपुर नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन। जैसा कि आपके संज्ञान में है, 17 तारीख से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री प्रथम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक एक विशेष सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, जिसे इंडियन स्वच्छता लीग नाम दिया गया है, जिसमें गोरखपुर की गोरखपुर नगर निगम की टीम भी गोरखपुर जॉइंट के नाम से पार्टिसिपेट कर रही है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि गोरखपुर को गार्बेज फ्री करना, पॉलीथीन मुक्त करना और पूरी तरह से जीरो वेस्ट लागू करना। इसके साथ साथ जो एक अभियान चल रहा है, इसमें सेवा और स्वच्छता दोनों को साथ साथ लेकर हम लोग चल रहे हैं। ये अभियान लगातार शहर के विभिन्न हिस्सों में चलाया जा रहा है और ये अभियान 2 अक्टूबर को जाकर समाप्त होगा, जब हम सभी लोग 2 तारीख को इकट्ठे होंगे और वहाँ पर जाकर हम स्वच्छता की एक बार पुनः गोरखपुर वासियों को शपथ दिलाएंगे। अभी हम लोगों ने खासकर ऐसी जगह जहाँ पे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, यहाँ जहाँ पर लिगेसी वेस्ट है या जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हमारे जो टूरिस्ट के प्लेस हैं वहाँ पर, जो हमारे घाट हैं, हमारे मंदिर हैं, उन सभी जगहों पे हमारी पूरी टीम जो है लगी हुई है और पूरे जोश और खरोश के साथ जो है हम लोग काम कर रहे हैं। और पूरा इस बात को नगर निगम गोरखपुर का संकल्प है कि हम लोग को गोरखपुर को इस इंडियन स्वच्छता लीग में नंबर एक पे आना है, और इसके लिए हम लोग कोई भी प्रयास ऐसा नहीं है जिसको हम लोग छोड़ रहे हैं, पूरी जी जान से पूरी टीम लगी हुई है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आगामी दशहरा पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी, सभी थानों पर आयोजित किया जा रहा है पीस कमेटी की मीटिंग। सौहार्द पूर्वक त्योहार मनाए जाने की लोगों से की जा रही है अपील, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। गोरखपुर की औद्योगिक गलियारे में शुरू हुआ सुपर मेगा इन्वेस्टमेंट, 1071 करोड़ का निवेश करेगी पेप्सिको, लगाएगी अपनी दूसरी सबसे बड़ी बॉटलिंग यूनिट। पहले चरण में आवंटित होगी 45 एकड़ भूमि, जल्द शुरू होगा निर्माण, 1500 लोगों को मिलेगा रोजगार। खुद
को जीडीए का कर्मचारी बताकर मानवेला में फ्लैट दिलाने के नाम पर वसूली करने वाले एक शातिर जालसाज सोनू गुप्ता को गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यूपी पुलिस हेतु भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा ने वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन, कहा पुलिस वेतनधारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं, साइबर अपराधों व अन्य धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं की दी गई जानकारी। इंडिया वर्सेस गार्बेज व इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत नगर निगम ने गार्बेज मुक्ति के लिए रेलवे स्टेशन पर चलाया स्वच्छता अभियान। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा नगर निगम की टीम जी जान से शहर के विभिन्न हिस्सों में सफाई कर गोरखपुर नगर निगम को बनाएगी इंडियन स्वच्छता लीग में नंबर वन। तीन शातिर चोर को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी का ई रिक्शा, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित लगी प्रदर्शनी का प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन ने किया अवलोकन, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गरीबों के लिए लाई अनेकों योजना, गरीबों का हो रहा है उत्थान। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत एलएफएस चरगांव व गोरखपुर फुटबॉल क्लब ने जीते अपने अपने मैच, गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। जनपद में लगातार हो रही बारिश से नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कोई भी नागरिक नदियों में ना करे स्नान, नदियां हैं उफान पर, एक या दो दिनों में घटने लगेगा नदियों का जलस्तर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शाहपुर थाने की पुलिस ने तीन शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी दर्धीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान फरहान अंसारी उर्फ छोटू पुत्र सैयद अंसारी निवासी चकसा हुसैन हुसैनाबाद थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, दूसरा रमजान अंसारी उर्फ कल्लू पुत्र मोहम्मद सईद अंसारी निवासी चकसा हुसैन हुसैनाबाद थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर, तीसरा इसराइल अंसारी उर्फ छोटू पुत्र सिकंदर अंसारी निवासी चकसा हुसैन हुसैनाबाद थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से ई रिक्शा, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, असन चौकी प्रभारी आशीष कुमार सिंह, रामानुज सिंह यादव, कांस्टेबल अरविंद यादव, अमृत यादव, वीरेंद्र कुमार सरोज, सौरभ पाल शामिल रहे। रामगढ़ताल नौकैन स्थित ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ पार्क में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित लगे नवो प्रदर्शनी का प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन ने अवलोकन किया, जिसके संबंध में प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन ने बताया कि यह प्रदर्शनी प्रधानमंत्री का जीवन जब से शुरू हुआ उन्होंने तब से अब तक क्या क्या किया उस पर आधारित है। प्रधानमंत्री का हमेशा लोगों के प्रति सेवा का भाव रहा है, यही भाव देश को आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद देश का पूरे विश्व में नाम आगे बढ़ा है और आगे भी देश को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने देश में गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं लाई, देश में सड़कों का जाल बिछा, विदेशों में भी देश का नाम रोशन किया। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय अध्यक्ष विश्वजीत सिंह, आशु पार्षद राम लवट निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन ने कहा राम जन्मभूमि बोलिए गुरु गोरक्षनाथ की।
आइए ये सब आइए हो जाए वो हटना रहे सब आपके लिखित जी ये उनके जीवन काल से प्रधानमंत्री जी का जब से व्यक्तित्व शुरू हुआ जीवन शुरू हुआ उनके बचपन काल से ही ये पूरा प्रदर्शनी लगाई गई है कि किस तरह से अपने जीवन में उन्होंने मोड़ लिया और एक शुरू से ही सेवा का जो भाव था वह प्रदर्शित किया गया है और आज भी वही भाव पूरे देश को आगे बढ़ा रहा है और 2014 में प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद जो है देश को आज कितनी ऊंचाइयों तक हमारे प्रधानमंत्री जी ले जा रहे हैं और आगे भी इसी तरह से देश को जो है खूब आगे बढ़ाने में इनका योगदान रहेगा। हर तरह की योजनाएं चाहे वो सड़क हो चाहे पानी हो चाहे बिजली हो चाहे गैस हो हर तरह की सुविधा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो लोगों को रोज़गार देने का है तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी और योगी जी दोनों मिल करके उत्तर प्रदेश को योगी जी और पूरे भारत को मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा कार्य हो रहा है जो अद्वितीय है जो कभी हुआ नहीं और आज जो है वो देखने को हम सबको मिल रहा है। हम सबका जीवन कितना सुरक्षित है जो पहले हम लोग कितने असुरक्षित थे आज सबका जीवन सुरक्षित है सबको सुरक्षा मिल रही है अच्छी तरह का जीवन जीने का एक साधन मिल रहा है चाहे वो रेल से हो चाहे हवाई जहाज़ से हो चाहे वो गाड़ियों से मोटर गाड़ियों से हो स्कूटर से हो सबका जीवन सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी 4 लेन 6 लेन जो बन रही हैं तो देश का आवागमन जब बढ़ेगा अच्छी सड़कें मिलेंगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा अच्छी जो है राहत मिलेगी। इस तरह से एक जीवन प्रदर्शनी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री जी का लगा है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने सभी हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के हमारे बीच में यहाँ के गोरखपुर के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी हैं सचिव जी हैं और चित्तानंद साहि जी तमाम सब देवेश जी हैं सभी लोग यहाँ पर आए हैं और डॉक्टर गौतम जी जो है उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शनी लगाई गई है तो उनको भी बहुत बहुत बधाई उनकी पूरी टीम को बधाई और आप लोगों के चैनल के माध्यम से यह एक अच्छा संदेश जाए जनता में लोग आवे प्रदर्शनी को देखें और जीवन को सफल बनाएं। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में सेंट एंड्रयूज महाविद्यालय के खेल मैदान पर चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत सोमवार को खोराबर फुटबॉल क्लब व LFS चरगावा के बीच फुटबॉल मैच खेला गया। आपको बता दें कि पहला मैच खोराबर फुटबॉल क्लब व LFS चरगावा के मध्य खेला गया जिसमें महेश ने प्रथम अर्ध में 6वें व 22वें मिनट में आयुष व अमन ने लगातार 2 गोल करके LFS चरगावा को 2-0 से बढ़त दिला दी। मध्यांतर तक LFS चरगावा 2-0 से आगे थी। मैच के उत्तरार्ध में चरगावा फुटबॉल क्लब ने पलटवार करते हुए 41वें मिनट व 52वें मिनट में विकास द्वारा 2 गोल तथा 45वें मिनट में निशांत द्वारा 1 गोल की मदद से 3-2 से मैच जीतकर विजेता बनी। वहीं दूसरा मैच FC गोरखपुर व SS फुटबॉल क्लब के मध्य खेला गया। मैच प्रारंभ के 30वें मिनट में SS फुटबॉल क्लब में नितिन टेटे ने अपनी टीम के लिए पहला गोल किया। उसके पश्चात फुटबॉल क्लब गोरखपुर प्रतिद्वंदी टीम पर हावी हो गई तथा 11वें व 20वें मिनट में सौरभ व इब्ने तालिब तथा 36वें व 43वें व 50वें मिनट में सुधांशु द्वारा किए गए हैट्रिक
की मदद से एफसी फुटबॉल क्लब 5-1 से विजयी रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के जिला सचिव हमजा खान ने कहा, जिला फुटबॉल लीग गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित है सेंट जॉन्स कॉलेज महाविद्यालय के मैदान पे, और अभी जो मैच हो रहा है LFS चिरगावा और खुरावार FC के बीच, इसके तुरंत बाद ये ग्रुप सी का मैच है और इसके तुरंत बाद जो दूसरा मैच होगा वो FC गोरखपुर और SSFC गोरखपुर, इन दोनों के बीच सेकेंड मैच होना है। ये आज का पहला मैच है और मध्यांतर के पूर्व खोरावार FC 1-0 से बढ़त बनाए हुए। ये मैच कब तक चलेगा? ये एक्चुअली अभी लीग का मैच है और पूरा मैच, ये 45 मैच है टोटल, तो शायद 5 अक्टूबर तक पूरा ये शेड्यूल्ड है कि 5 अक्टूबर तक मैच लीग के चलेंगे। बीच में वर्षा के कारण 4 दिन मैच बाधित हुआ, जल जमाव था मैदान में और बारिश के कारण स्थगित किया गया, उस मैच को बाद में करेंगे। इस तरह से ये कुल अभी लीग के मैचेस 45 मैचेस होने हैं जो 5 अक्टूबर तक होंगे, उसके बाद नॉकआउट दौर शुरू होगा इस लीग प्रतियोगिता का। जनपद में हुई बारिश से तेजी से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जनपद में 4 दिनों तक लगातार बारिश हुई जिससे पूरे शहर के गली मोहल्लों में पानी लग गया था। इसके साथ नदियों का भी जलस्तर बढ़ रहा है। सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा गया है। जनपद में नदियों के जलस्तर के बारे में ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि जनपद में लगातार वर्षा हो रही है, कोई भी व्यक्ति नदियों में स्नान करने से बचे, नदी को तैर करके पार करने का प्रयास ना करें क्योंकि नदियां उफान पर हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु की सूचना नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, Thank you.
नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, पिछले 4-5 दिन से लगातार वर्षा हो रही थी और इस वर्षा की वजह से जो हमारी राप्ती, सरयू, रोहिन और कुआनो है, इनके कैचमेंट एरिया में जो पीछे पानी एकत्र हुआ, इसकी वजह से हमारे यहाँ भी सरयू डेंजर लेवल पे है, राप्ती अभी डेंजर लेवल से काफी नीचे है, रोहिन लगभग डेंजर लेवल के आसपास है। लेकिन ये एक आध दिन ही ऐसा रहेगा क्योंकि यह वर्षा लगभग समाप्त हो चुकी है और कैचमेंट एरिया का जो पानी है वो हमारे यहाँ से होते हुए तेजी से आगे निकल जा रहा है। तो किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की अभी कोई सूचना नहीं है, एक्चुअल में हुई भी नहीं है, परंतु मेरा आम नागरिकों से, निवासियों से अनुरोध यही है कि अभी बाढ़ के समय में नदी में ना जाएं, इसलिए कि पानी का उफान ज्यादा है और कोई भी घटना या दुर्घटना हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। आगामी दशहरा पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। सभी थानों पर आयोजित किया जा रहा है पीस कमेटी की मीटिंग। सौहार्द पूर्वक त्योहार मनाए जाने की लोगों से की जा रही है अपील। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। गोरखपुर की औद्योगिक गलियारे में शुरू हुआ सुपर मेगा इन्वेस्टमेंट 1,071 करोड़ का निवेश करेगी पेप्सिको, लगाएगी अपनी दूसरी सबसे बड़ी बॉटलिंग यूनिट। पहले चरण में आवंटित होगी 45 एकड़ भूमि, जल्द शुरू होगा निर्माण, 1500 लोगों को मिलेगा रोजगार। खुद को GDA का कर्मचारी बताकर मानवेला में फ्लैट दिलाने के नाम पर वसूली करने वाले एक शातिर जालसाज सोनू गुप्ता को गोरखनाथ थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यूपी पुलिस हेतु भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा ने वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। कहा, पुलिस वेतनधारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं, साइबर अपराधों व अन्य धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं की दी गई जानकारी। इंडिया वर्सेस गार्बेज व इंडियन स्वच्छता लीग के अंतर्गत नगर निगम ने गार्बेज मुक्ति के लिए रेलवे स्टेशन पर चलाया स्वच्छता अभियान। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, नगर निगम की टीम जी जान से शहर के विभिन्न हिस्सों में सफाई कर गोरखपुर नगर निगम को बनाएगी इंडियन स्वच्छता लीग में नंबर 1। तीन शातिर चोर को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का ई रिक्शा, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित लगी प्रदर्शनी का प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन ने किया अवलोकन। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश के गरीबों के लिए लाई अनेकों योजना, गरीबों का हो रहा है उत्थान। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में चल रहे गोरखपुर फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के अंतर्गत LFS चरगावा व गोरखपुर फुटबॉल क्लब ने जीते अपने अपने मैच। गोरखपुर फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हमजा खान ने दी जानकारी। जनपद में लगातार हो रही बारिश से नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, कोई भी नागरिक नदियों में ना करे स्नान, नदियां हैं उफान पर, एक या दो दिनों में घटने लगेगा नदियों का जलस्तर। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।